नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को निकालने के लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों एक अपडेट सामने चले देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आदेश निकाला है उसमें ये लिखा है मैंने खुद में 23-24 में किसी भी प्रकार के अनट्रेन व्यक्ति की भर्ती नहीं की। 23-24 में कोई से अनट्रेन की भर्ती नहीं की जाए, नहीं भर्ती, नहीं भर्ती। जो इस साल जो भर्ती हो रही है वो लिखा मैंने उस आदेश में पूर्व पैनल में। एक मिनट, आप देख आप लोग ठीक है, यही है। मेरा ये कहना आपसे कि ये सब लोग छह अपने जनपद क्षेत्र से पांचों के हैं, हजारों लोग ऐसे। तो 23-24 में 22-23 में कौन सा ये जो नया चल रहा है, तो आप एक चिट्ठी ऐसा निकाल दो कि 23-24 के जो अतिथि शिक्षक है जो नहीं लगाने वो अनट्रेंड नहीं लगाना है, बट जो पहले से कार्यरत है शासन भी चाहता है। संकुल प्रिंसिपल से जानकारी मांगूंगा कि विगत कितने वर्षों से कौन अनट्रेंड व्यक्ति और किसने किसके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है ना, जानकारी मांगूंगा। उसके बाद में क्लियर होगा। और विगत वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं बिना डीएड बीएड वाले जो है ना, उनकी जानकारी मैं संकुल प्रिंसिपल से मांगूंगा। नहीं नहीं, वो तो है, शासन के निर्देश है अतिथि शिक्षा के बारे में। क्या निर्देश शासन उनको निकाल थोड़ी गए हमने निकाला। मेरा ये कहना है आपसे, देखो जो पुराने हैं जो अपने चल रहे हैं सभी जिलों में चल रहा है, उमरिया में हुआ तो वहाँ उन लोगों ने संशोधन किया है, सब जगह चल रहा है, कंटिन्यू करेंगे। जो पुराने उनको तो कंटिन्यू रहने दो, नई भर्ती जो आप करें उसमें ट्रेंड लोगों करो। हाँ सर, है ना, उसमें ये आदेश निकला कान? नहीं निकला सर, पूर्वी में कार्य अभी तो आया, अभी आया। बात करो, कराओ सर से बात करा दो, कराओ बात करो सर पर फोन लगाओ। कहाँ गए भाई? मैं नहीं कौन मार रहा है आपसे, लिखित में नाम कार्ड बोल रहा है ये सर, प्रचार ने संबल प्रचार ने बोला है कि कल ही हटा देंगे। स्पीकर पे करो। हाँ स्पीकर पे करो। संबल प्रचार में जरा कल से स्कूल मत आना। कौन से संबल राम ने लिखित खेला आपने? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही सर आपको? निकल रहा है ये आप, आपके अतिथि शिक्षक है, इनके बारे में क्या क्या कह रहे थे आप, क्या लिखित में क्या लाना? मैं चंद्र सिंह बोल रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष। अच्छा मार साहब आप बोल रहे हैं? हाँ 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 इनका फोन आया था। जिला नहीं, डीओ साहब भी मेरे पास ही बैठे हैं, आपकी आवाज वो भी सुन रहे हैं और ये सारे लोग भी। तो मैं ही कहता है कि डीओ साहब का कहना है कि 22-23 का जो नया सत्र है, सॉरी 23-24 का जो नया सत्र है उसके लिए अपन को ट्रेंड लोगों को डीएड बीएड वालों को रखना है। बाकी जो साल पहले से पिछले सालों से कुछ सालों से जो काम कर रहे हैं उनको तो यथावत रखना है, उनको ही निकालना है। हाँ हाँ नहीं, 23 ओनली डीओ साहब ने जो आदेश निकाला है वो 23-24 के लिए निकाला है। 23-24 में जो नए लोगों को रखना है वो ट्रेंड रखने हैं, प्रशिक्षित लोगों को रखना है। बट जो पिछले 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल से काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना पूरे जिले में। ये एक मिनट आप बात कर लो सर, एक मिनट है ना। तो ये डीओ साहब यही बैठे हैं, सारे लोग यहीं पर हैं, तो इसमें किसी को निकालना नहीं अपने को, पर नए लोगों को रखना है आपको 23-24 में, तो उसमें आप प्रशिक्षित लोगों को रखो। ठीक ठीक है सर, हमारे मना कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, सर आपसे अब